हम लोग रागानुगा भक्ति के विषय में पढ़ रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी रागानुगा भक्ति का वर्णन कितने अध्याय में किए हैं? 2 अध्याय। और आपके क्वेश्चन बैंक में 2 अध्याय से कितने प्रश्न हैं? हाथ उठाइए, कौन कौन लोग जानते हैं? ये प्रश्न पत्र पहले से नहीं पढ़े हैं, ये पहले दिया गया है क्लास में आने से पहले, प्रश्न पत्र को पढ़ करके प्रश्न को अपने मन में रह करके बैठेंगे तो उसका उत्तर क्लास में ही पता चल जाएगा। लेकिन अब उस समय ध्यान नहीं देते हैं, बाद में देते हैं। राधा चरण पहले से पढ़ करके आते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन पहले से पढ़ करके आइए। अब जो बीत गया, कम से कम भाव भक्ति और प्रेम भक्ति के प्रश्न को भी पढ़ करके तैयार रहिए। रागानुगा भक्ति को समझने के लिए रागात्मिका भक्ति को समझना होगा। राग का अर्थ है, आप लोग सुने हैं, विषयों के प्रति इंद्रियों का जो स्वाभाविक आकर्षण है, तो ऐसा ही स्वाभाविक आकर्षण कृष्ण के प्रति जो हो उसी को राग कहें। और उसी पर आधारित राग से ही प्रेरित होकर के जो कृष्ण के प्रति भक्ति है उसको कहा जाएगा रागात्मिका भक्ति। लेकिन जो मायाबद्ध जीव हैं तो विषय के प्रति तो उनका स्वाभाविक आकर्षण है, लेकिन कृष्ण के प्रति नहीं है और संभव भी नहीं है। अभ्यास करने से भी ऐसा नहीं हो सकता। यह कहाँ संभव है? ब्रज में, जो भगवान के परिकर हैं तो उनका आकर्षण ठीक वैसे कृष्ण के प्रति है जैसे हम लोगों का विषय के प्रति स्वाभाविक आकर्षण। हमारा आकर्षण जो विषय के प्रति स्वाभाविक के अर्थ में, वास्तविकता तो यह है कि हम जैसे विषय के प्रति आकृष्ट हैं उससे करोड़ों गुना अनंत गुना अधिक ब्रजवासी भगवान के परिकर कृष्ण के प्रति आकृष्ट हैं। तो ये राग का यह स्वभाव है, राग का ये रागात्मिका भक्ति का लक्षण क्या है? तो एक तो समझ गए कि इसमें स्वतः ही स्वरस की स्वाभाविक आकर्षण है। और इसके 2 लक्षण आते हैं, कौन कौन? तृष्णा और आवेश। तृष्णा का ही कार्य आवेश है, तृष्णा के चलते आवेश हो जाता है। जो ब्रजवासियों की भक्ति है और उसको भी 2 भाग में बांटा जा सकता है, कौन कौन? काम रूपा और संबंध रूपा। अरे भाई, प्रश्न होगा कि काम रूपा में क्या संबंध नहीं है? ऐसी बात नहीं है, संबंध है, लेकिन उसके प्रधानता को दिखाने के लिए अलग कह दिया गया है। इस बात को समझाने के लिए आचार्य एक उदाहरण देते हैं। सब आ रहे हैं, राजा भी आ रहे हैं, तो सबसे थोड़ा
अलग करने के लिए, विशेष महत्व देने के लिए राजा का अलग से उल्लेख किया जा रहा है। और उसी तरह ये जो काम रूपा भक्ति है तो इसको विशेष रूप से इंगित करने के लिए अलग उल्लेख किया गया। काम रूपा भक्ति के विषय में उदाहरण दिया गया है गोपियों का। गोपियों में काम रूपा भक्ति है और कुछ गोपियों से मिलता जुलता भी भक्ति है। जैसे मथुरा की स्त्रियां हैं तो उनका भी वर्णन पढ़ेंगे तो लगभग गोपियों जैसा उनकी उनका आकर्षण है। और इसी से मथुरा के स्त्रियों के भक्ति को काम प्राय, खास करके कुब्जा के भक्ति को काम प्राय कहा गया है। प्रायः मतलब लगभग, प्रायः समाप्त हो गया है माने अराउंड लगभग। कुब्जा के भी भक्ति गोपियों जैसे एग्जैक्टली नहीं है लेकिन लगभग गोपियों जैसी है, तो इसलिए उसको काम प्राय कहा गया। कृष्ण के प्रति जो आवेश है तो कई एक दृष्टि से आवेश बन जाता है। गोपियों का आवेश काम के चलते है, काम मतलब शुद्ध प्रेम, कृष्ण को सुखी करने की लालसा। लेकिन कुछ लोग वैर से या द्वेष से भी कृष्ण का आवेश रखते हैं, उनके मन में कृष्ण भरे हुए। तो भक्त तो उनके आवेश भक्ति का फल नहीं है क्योंकि वहाँ अनुकूलता नहीं है। भक्ति की परिभाषा आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनं, तो आनुकूल्य के अभाव में उसको भक्ति नहीं कहा जा सकता। लेकिन उनको भी गति बहुत अच्छी मिलती है। जो बड़े बड़े योगी जति को गति मिलती है, वही गति जो वैर भाव से या द्वेष भाव से कृष्ण में आविष्ट है उनको भी प्राप्त हो जाती है। जो कृष्ण के शत्रुओं के गति की प्राप्ति होती है तो जो निर्विशेषवादी हैं उसी गति को प्राप्त करते हैं। जो शत्रु भाव से कृष्ण का चिंतन करते हैं और भगवान उनका वध करते हैं तो सायुज्य मुक्ति पा जाते हैं। और निर्विशेषवादी भी साधना करके और सायुज्य मुक्ति पाते हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है फल को देख करके कि भगवान के बैरी और निर्विशेषवादी मायावादी लोग एक कैटेगरी के हैं। और वास्तव में जो मायावादी की चेतना है तो शत्रु जैसा ही है, क्योंकि भगवान के ऐश्वर्य को सहन नहीं करते, उनके जैसा ही होना चाहते हैं। इसका अर्थ है कॉम्पिटिटिव मूड है ना। तो इस दृष्टि से भी ये भगवान के शत्रु के समान है। मायावादी भी भगवान के शत्रु के समान है, इस बात की स्थापना कैसे कर सकते हैं? एक तो रिजल्ट से कि भगवान के शत्रुओं को जो गति मिलती है वही गति मायावादियों को मिलती है, और चेतना भी कुछ अंश में वैसा ही है। तो हैं ये अध्यात्मवादी, ये तो स्पिरिचुअलिस्ट हैं, ब्रह्म का अनुशीलन कर रहे हैं,
लेकिन कुछ दृष्टि से भगवान के शत्रु के समान ही। तो जो रागात्मिका भक्ति, राग भक्ति रागात्मिका भक्ति है, और उसी का अनुसरण जो भक्ति करती है उसको कहा जाएगा रागानुगा। तो चूंकि रागात्मिका भक्ति दो प्रकार का है, कौन कौन, काम रूपा और संबंध रूपा, तो स्वाभाविक ही रागानुगा के भी दो भेद हैं, कौन कौन, कामानुगा और संबंधानुगा। गोपियों के भाव को काम रूपा कहा गया, तो उनका अनुसरण करते हुए जो लोग भक्ति करते हैं तो उनका भी दो भेद है, एक को कहा जाएगा काम, उसका अनुसरण करते हुए जो भक्ति करते हैं तो उसको कहा जाएगा कामानुगा, लेकिन कामानुगा के भी दो भेद, कौन कौन, संभोगेच्छामयी। संभोगेच्छामयी मतलब इसमें जो साधक है वही कृष्ण के साथ संभोग करना चाहता है, रमण करना चाहता है, भाव शुद्ध है गोपियों जैसा ही, वो खुद कृष्ण के साथ केली करना चाहता है, और इसलिए इसको संभोगेच्छामयी कहा जाता है। लेकिन एक ग्रुप है जो कृष्ण के साथ रमण नहीं करना चाहते, जो प्रिया प्रियतम के रमण है, माधुर्य है उस केली का, उसी का आस्वादन करते हैं, उसी को चेरिश करते हैं। तो ऐसे भक्ति को तत्त भावेच्छात्मिका, उनके भाव को आस्वादन करते हैं, उसी का चिंतन करते हैं। और जो संभोगेच्छामयी है तो ऐसे भी साधक हुए हैं, रागानुगा भक्ति करके सिद्धि प्राप्त किया। इसमें उदाहरण है चंद्रकांति का। अभी मत पूछिएगा कि चंद्रकांति कौन है, कैसे वो सिद्धि प्राप्त की, भाव भक्ति में इसकी चर्चा हम लोग करेंगे, लेकिन उदाहरण में चंद्रकांति और तत्त भावेच्छात्मिका का उदाहरण चाहें तो अपने गोस्वामी लोग हैं, मंजरी है, और संबंधानुगा, संबंध रूपा भक्ति का जो अनुसरण करती है तो उसको कहा जाएगा संबंधानुगा। तो संबंधानुगा में दो ग्रुप है, एक माता पिता का भाव रखते हैं और एक सखा का भाव रखते हैं। तो माता पिता का भाव रखने वालों में एक उदाहरण वृद्ध बार्धकी का दिया गया है। वृद्ध बार्धकी, बार्धकी कहते हैं कारपेंटर को, बढ़ई को, बढ़ई समझते हैं ना, जो लकड़ी का काम करते हैं, और उसे को संस्कृत में बार्धकी कहते हैं। अब एक चीज है और रागानुगा के विषय में समझ लेना चाहिए कि इसके प्राप्ति कैसे होती है। जब ब्रजवासियों के भाव का श्रवण करते हैं और उसके प्रति लोभ जग जाता है, उसके प्रति आकृष्ट हो गए, तो यही कारण है, लोभ ही इसके उत्पत्ति का कारण है। और लोभ के लिए आवश्यक है कि हम ऐसे भाव का श्रवण करें, जब तक सुनेंगे नहीं लोभ का कोई प्रश्न नहीं है। तो लोभ से उत्पन्न होता है
लेकिन कभी कभी भगवान के स्वरूप का या भगवान के श्री विग्रह के दर्शन से भी ये भाव आ जाता है। स्वरूप के दर्शन से दंडकारण्य ऋषियों के मन में भाव आ गया, रागानुगा के प्रति आकृष्ट हो गए, वे दर्शन किए भगवान राम का और उन्हें रमण की इच्छा हुई कृष्ण के। अब उस भाव से साधना कर ही रहे थे तो उनको ब्रज में जन्म मिला और वे गोपियों के समान कृष्ण का आलिंगन के रासलीला में भाग लिए। आप रासलीला सुनते हैं और उसमें कई एक प्रकार का ग्रुप है, नित्य सिद्धा गोपी हैं, साधन सिद्धा हैं, श्रुति चरी हैं, और साधन सिद्धा में एक ग्रुप है दंडकारण्य के ऋषि लोग। तो ये जो कामानुगा भक्ति है तो इसमें पुरुष का भी अधिकार है कृष्ण से रमण करने का, क्योंकि ये भावमय है। तो ऐसा नहीं है कि पुरुष शरीर वाले का इसमें अधिकार नहीं, पुरुष का भी अधिकार है। और दंडकारण्य के ऋषि लोग सिद्धि प्राप्त किए, तो स्वरूप के दर्शन से भी आकर्षण हो जाता है और श्री विग्रह के दर्शन से भी। और इस विषय में उदाहरण दिया गया है कि एक वृद्ध वार्धकी थे, तो बाल गोपाल जी का दर्शन वो सेवा करते थे, उनके प्रति पुत्र भाव रखते थे, नंद बाबा का भाव रखते थे, तो नारद जी के उपदेश से रागानुगा भक्ति का अनुसरण किया, उनको सिद्धि मिली। अच्छा, एक चीज और है कि जो कामानुगा भक्ति है, तो मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को कृष्ण के साथ रमण करने की इच्छा है, कामानुगा भक्ति के रमण करने की इच्छा है, चुंबन करने की, आलिंगन करने की इच्छा है, लेकिन रागानुगा का अनुशीलन नहीं कर रहा है, वैधि भक्ति का अनुशीलन कर रहा है, तो उनको ब्रज में अधिकार नहीं मिलेगा, उनको द्वारका में भगवान की पत्नी बना दिया जाएगा, रमण कीजिए। तो ब्रज ये जो मंजरी भाव है या गोपी भाव है, तो यह रागानुगा भक्ति के अनुशीलन से ही संभव। इस दृष्टि से रागानुगा का बहुत भारी महत्व है। जहाँ तक क्लेशाग्नि और सुभदा ये भक्ति के गुण हैं, साधन भक्ति के, तो उस पॉइंट से देखें तो बहुत अंतर नहीं है। क्लेश का नाश हो जाएगा, लोग प्रेम करेंगे, सुविधा मिल जाएगी, तो चाहे वैधि भक्ति करे रागानुगा भक्ति करे, दोनों से प्राप्त होगा, बहुत अंतर नहीं। अंतर करना होगा तो कितना अंतर, एक पत्ता का जो दो साइड है, एक स्निग्ध है एक थोड़ा रुखड़ा होता है, तो रागानुगा स्निग्ध है और वैधि रुखड़ा है। लेकिन जो ब्रज के भाव को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए एकमात्र साधन रागानुगा। लेकिन रागानुगा की योग्यता है कि अर्थ अनर्थ निवृत्ति होना चाहिए, स्पेशली सेक्स डिजायर समाप्त हो जाना चाहिए। तो ये सब बातें रागानुगा के विषय में है। समझने के लिए परीक्षा वाले जो हैं
उनके लिए दो चीज बहुत महत्वपूर्ण है, रागानुगा की परिभाषा और रागानुगा भक्ति की साधना कैसे की जाती है। साधना के विषय में क्या क्या हम लोग सुने कि ब्रजवासी का अनुगमन करते हैं, अपना एक मॉडल चुन लिए और उन्हीं का अनुगमन करते हैं, और बाहरी इंद्रियों से श्रवण कीर्तन करते हैं जो वैधि भक्ति का अंग है, और उसका अनुशीलन करते हैं, और सिद्ध देह से भगवान की सेवा करते हैं मन ही मन, और वृंदावन में ही वास करते हैं, और कदाचित ऐसा संभव नहीं हुआ शरीर से वृंदावन में वास करना, तो कम से कम मन से वृंदावन का निवास आवश्यक है। अच्छा यह होता है कि शरीर से ही वृंदावन में रहे, शरीर और मन दोनों। तो इस प्रकार ये रागानुगा भक्ति के विषय में कुछ कुछ तथ्य दिया गया है। अब आप लोगों को कुछ पूछना हो इस विषय में तो पूछिए, समझने के लिए और परीक्षा के लिए दोनों दृष्टि से। हाँ, क्या पूछ रहे हैं? गोपियों के भाव का आस्वादन करते हैं। मथुरा के जो स्त्रियां हैं वो पहले भेद समझिए कि वो तो नित्य परिकर है ना, यह जो विभेद किया जा रहा है किस भक्ति का किया जा रहा है, रागात्मिका का नहीं, किसका, रागानुगा का। और मथुरा के स्त्रियों पर किस भक्ति का सिद्धांत लागू होगा, रागात्मिका का। लेकिन अंतर यह है कि ब्रज के जो गोपियां हैं उनका भक्ति है कामरूपा, लेकिन मथुरा के जो स्त्रियां हैं उनकी भक्ति है काम प्रायः, प्रायः गोपियों जैसा ही है। खास करके कुब्जा का है, तो कुब्जा की कथा आप सुनते हैं, भगवान मथुरा का दर्शन कर रहे थे और उधर से कंस के लिए अंगराग तैयार करके आ रही थी, वो कंस की सेविका थी। कंस कितना द्वेष करता था कृष्ण से आप समझ रहे हैं, और वो पूछे भगवान के कौन हो तुम और ये क्या ली हो, हम तो कहे कि हम कंस के सेविका हैं और खूब हम दक्ष हैं, खूब सुंदर अंगराग बनाए, लेकिन इसके लायक तो आप लोग हैं, और तुरंत प्रदान कर दें। भगवान भी उसका प्रत्युत्तर दिए, भरे सब मने सारे आम रोड पर उसके चरण को दबाए चरण से, और अपने हाथ से उसके ये क्या इसको कहते हैं चीव को थोड़ा उठाए सीधा हो गए। और लेकिन उससे भगवान पूछे कि तुम्हारी क्या इच्छा है, और इतना सुंदर सौभाग्य मिलने के बाद वो कहे कि हम आपके साथ रमण करना चाहते हैं, हमारे घर आइए। गोपियों जैसा तो प्रेम है, लेकिन एग्जैक्ट गोपियों जैसा नहीं है, लगभग गोपियों जैसा है। सुखदेव गोस्वामी तो बोल दिए कि दुर्भगा,
काम ये वही आचत, इतना सुंदर संजोग पा करके भी काम की ही याचना है कि दुर्भगा है। दुर्भगा मतलब गौरव, दुर्भगा मतलब है जिसका भाग्य खराब हो। लेकिन केवल यही अर्थ नहीं है, दुर्लभा मतलब जिसका लाभ कठिन हो। तो दुर्भगा मतलब जिसके सौभाग्य को प्राप्त करना बहुत कठिन है। है बहुत सौभाग्यशाली, लेकिन अब दुर्भगा क्यों कह रहे हैं कि गोपियों के दृष्टि से देखा जाए तो उसको दुर्भगा हतभागी है, लेकिन सामान्य दृष्टि से देखा जाए तो जो कृष्ण को अंगराग लगा रही है, स्नेह से सेवा कर रही है, वो कितना भारी भाग्य है। और सब लोग इसको नहीं प्राप्त कर सकते, तो इस अर्थ में वो दुर्भगा है। तो आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं तो वह रागात्मिका पर लागू होगा, रागानुगा पर नहीं। और यह जो भेद किया जा रहा है ये रागानुगा का, यहाँ भेद समझना है। तो जो रागानुगा के साधक हैं तो कुछ ऐसे हैं जो भगवान के साथ रमण करना चाहते हैं, नृत्य करना चाहते हैं, और इसमें भी सिद्धि मिली है। उदाहरण दिया गया चंद्रकांति का। लेकिन कुछ लोग हैं कि प्रिया प्रियतम के मिलन का ही आस्वादन करते हैं, जैसे मंजरी भाव के जो उपासक हैं, जिस उपासना को देने के लिए चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए, तो वे प्रिया प्रियतम के मिलन का जो सुख है उसी का आस्वादन करना चाहते हैं। उनको प्रिया प्रियतम को मिलाने में बहुत सुख है, वे खुद प्रियतम से मिलने की आकांक्षा नहीं रखते, और उनके ही भाव को, उनके ही सुख का वे आस्वादन करते हैं। और इस अर्थ में तत्त भाव इच्छात्मिका, ये गोपियों के भाव को प्राप्त करना चाहते, गोपियों के क्रिया को नहीं, गोपियों के भाव को, मंजरी भाव। और यही रागानुगा का मुख्य धारा है, रागानुगा भक्ति का मुख्य धारा। ये दूसरा जो विभाजन है तत्त भाव इच्छात्मिका यही है। ठीक, और कोई प्रश्न? चंद्रावली, अच्छा आप गोपियों का डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे हैं कि भक्ति का डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे हैं? ये पहले ही कहा गया है कि हम लोग सिद्धांत की बात करेंगे, विस्तार की बात नहीं करेंगे। वो चंद्रावली और राधा रानी में अंतर नहीं है। चंद्रावली राधा रानी की एक स्वरूप है, लेकिन वो भाव के आस्वादन के लिए वो विभाजन किया गया है। क्या आप चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे और प्रारंभ में ही चैतन्य महाप्रभु के अवतार के विषय में लिखा गया है, और कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु के अवतार को समझने के लिए पहले कृष्ण के अवतार के उद्देश्य को समझना चाहिए, उससे सुविधा मिलेगी। तो उसमें कृष्ण के अवतार के विषय में कह रहे हैं कि परकिया भाव के आस्वादन के लिए। अच्छा, एक बात यह हुई कि परकिया भाव का आस्वादन,
वो सिद्धांत दे रहे हैं कि कभी मिलन होता है, कभी वियोग होता है, या वियोग के बाद मिलन होता है तो सुख का ज़्यादा उल्लास होता है, कोई बंधन होता है तो ज़्यादा उल्लास होता है। तो उसी प्रकार जब विपक्षा गोपी के पास कृष्ण जाते हैं तो जो राधा रानी के हृदय में मान उदित होता है तो प्रेम का और उच्चतर तरंग है, और मान मनाने में कृष्ण को बहुत आनंद है। सूरदास एक पद गाए हैं कि हमको ऐसा परिश्रम तो कभी नहीं हुआ जैसे राधा रानी का मनाने में परिश्रम है, वो ऐसा परिश्रम कभी नहीं हुआ। तीन डेग में पूरे ब्रह्मांड को नापे, उसमें परिश्रम नहीं है। समुद्र पर पुल बांध दिया, उसमें परिश्रम इतना नहीं हुआ। अरे आग को पी गया और उतना कष्ट हमको नहीं हुआ। गोवर्धन को उठा लिया, पहाड़ को उठा लिया और उसमें कष्ट नहीं हुआ। लेकिन हमको उतना कष्ट नहीं हुआ जितना ये राधा रानी को मनाने में हो रहा है। तो कोई प्रश्न कर सकता है कि भाई कष्ट है तो छोड़ क्यों नहीं दे रहे हैं। कह रहे हैं सूरदास पद में लिखे हैं कि इतना इसमें सुख है कि हम वो परिश्रम करने पर भी त्याग नहीं, परिश्रम भले है लेकिन इतना सुख है कि अब इसका हम त्याग नहीं कर सकते, परिश्रम बहुत है। तो वे जो चंद्रावली की बात है तो ये सब जोग माया की विशेष व्यवस्था है कृष्ण को अधिक सुखी करने के लिए। चंद्रावली है तो राधा रानी में ईर्ष्या उदित होता है, मान उदित होता है, तो उस अवस्था में प्रेम का आस्वादन और हो जाता है। देखिए आप प्रश्न करने लगे प्रेम के विषय में, लेकिन भक्ति रसामृत सिंधु की स्थिति है कि किसका वर्णन किया गया है, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। तो प्रेम भक्ति का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिए, और रूप गोस्वामी लिखते हैं कि साधकों में तो विरले उदित होता है, तो इस पर अब बहुत टाइम नहीं देना, इसका विस्तार से वर्णन नहीं करना। तो भक्ति रसामृत सिंधु कैसे भक्ति रस रूप हो जाता है इसका वर्णन करता है। जिसको विस्तार से गोपियों के विषय में पढ़ना है तो उस विषय में रूप गोस्वामी नहीं, रूप गोस्वामी माधुर्य कादंबनी ग्रंथ रचना किए हैं, तो वहाँ पढ़ेंगे तब किस युद्ध का, किस गोपी का, किस सखी का क्या महिमा है इसको। तो इस एक तरह से ये भक्ति तत्व का अच्छा से ज्ञान लेना हो तो तीन ग्रंथ मिलकर के ज्ञान देते हैं, भक्ति रसामृत सिंधु, माधुर्य कादंबनी नहीं, उज्ज्वल नीलमणि और माधुर्य कादंबनी। तो उज्ज्वल नीलमणि में ये गोपियों के विषय में दिया गया है, और प्रेम के भी कई एक स्तर हैं तो उसको भी दिया गया, तो ये सब वहाँ से पढ़ना चाहिए या उसका कोर्स करना चाहिए, गोपियों के विषय में जानकारी कर। हम लोग यहाँ रागानुगा भक्ति पढ़ रहे हैं। अब रागानुगा भक्ति के लिए जितना आवश्यक था उतना का ही वर्णन किया गया है। रागानुगा को समझने के लिए रागात्मिका को समझना है, इसलिए रागात्मिका एक एक परिचय दे दिया गया। और जो चंद्रावली की भक्ति है वह रागानुगा के अंतर्गत नहीं है, वो किसके अंतर्गत है, रागात्मिका के अंतर्गत है, और वह है कामरूपा।
राग नहीं, रागात्मिका भक्तों के विषय में सुनते हैं तो लोभ जगता है और उन्हीं के भाव का अनुगमन करते हैं, सिद्ध देह से उनका अनुगमन करते हैं, सिद्ध देह से उनका संग करते हैं। प्रकट संग कहाँ पाएंगे? हाँ, ब्रजवासी तो भगवान के जो नित्य परिकर हैं, और आप एक शब्द कह दिए कि शास्त्र में जिनका वर्णन है, और क्या कहे? वर्तमान में तो वर्तमान में जो है उनका क्या शास्त्र में वर्णन नहीं है? जो वर्तमान में ब्रजवासी हैं उनका शास्त्र में वर्णन है कि नहीं? ये वर्तमान के ब्रजवासियों के लिए ही चैतन्य महाप्रभु कहे हैं कि उनका भाव सिद्ध है, उनसे कम संपर्क रखो अपराध होगा, किसके लिए कहें? ये शास्त्र में नहीं है। शास्त्र की परिभाषा पढ़े न, भक्ति तत्व का जो प्रतिपादन करने वाला है ग्रंथ है उसको शास्त्र कहते हैं। तो इस दृष्टि से चैतन्य चरितामृत तो बेस्ट शास्त्र है। मैनेजमेंट के जो लोग हैं व्यवहार में तो ब्रजवासी के धूर्तता गाली यही सब आता है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु तो कहे हैं ना, इन्हीं ब्रजवासियों के लिए कहे हैं कि इनका भाव नित्य सिद्ध है। और देखिए कितना अंतर है उनके व्यवहार में। बरसाना चले जाइए और कहीं माला कोई पहना दिया तो आपका भारी फजीहत, वो एकदम मतलब नोच लेते हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं, नहीं देंगे गाली गलौज। राधा रमण महाराज तो ब्रजमंडल यात्रा लेकर के जाते हैं, वो कभी भूल करके भी माला पहन करके नहीं जा सकते। कहते हैं कि लोकनाथ महाराज का एक बार ऐसी फजीहत किए वो लोग। लेकिन वही उन्हीं ब्रजवासी के घर पर चले जाइए तो साधु के सत्कार को देखिए, और उनके वृत्ति है। अब भाई जो आप प्रश्न कर रहे हैं कि शास्त्र में जिनका वर्णन और वर्तमान में, हम तो यही कहेंगे कि जो वर्तमान में है उन्हीं का वर्णन शास्त्र में है, वो नित्य परिकर हैं, उनके हृदय में भाव नित्य सिद्ध है। इसी से चैतन्य महाप्रभु कहे हैं कि उनसे थोड़ा दूरी बना करके रहना चाहिए, नहीं तो अपराध होने लगेगा, क्योंकि हम उनके भाव को समझ नहीं पाएंगे, उनके केवल व्यवहार को देखेंगे। हाँ देखिए देखिए ठीक है, हमें समझ रहा हूँ। देखिए ये बात नितांत सत्य है, भगवान अवतार ग्रहण करते हैं तो अपने परिकरों के साथ अवतरित होते हैं, और भगवान लीला का संवरण करते हैं तो परिकर भी ओझल हो जाते हैं। तो लेकिन धाम का एक पक्ष है, ये धाम का एक पक्ष है, धाम चिन्मय है ना, इसको आप अपने हिसाब से पूरा पूरा नहीं समझ सकते।
भगवान अपने लीला का संवरण करते हैं, लेकिन क्या आज वृंदावन में भगवान लीला नहीं कर रहे हैं? यहाँ भी नित्य लीला है ना? ऐसा नहीं है कि भगवान लीला का संवरण कर दिए तो यहाँ से लीला ही समाप्त हो गया। इतना ही है कि उस समय अधिकांश लोग उस लीला को देख सकते हैं और इस समय कोई कोई जो भाग्यशाली हैं वे देख सकते हैं। तो हम आपके प्रश्न के उत्तर में इतना ही कहेंगे कि यहाँ ब्रजवासियों के भाव की चर्चा है, व्यवहार की नहीं। और साहब देखिए, मैं पहले ही कहा था कि आपको वास्ता रखना होगा और प्रश्न पत्र रोज लेकर के आइए। तो अब प्रश्न पत्र खोलिए और दो अध्याय में जो रागानुगा का वर्णन है तो उस पर जो प्रश्न है एक बार वो प्रश्न पढ़ करके देखिए कि कुछ कठिनाई किसी को लग रहा है। ये विद्यार्थी भाव में वो प्रश्न पत्र रोज झोला में रहना चाहिए। आप लोग पहले से नहीं पढ़े हैं, पहले से उसको पढ़ करके विचार करते तो तुरंत लगता है कि यहाँ कठिनाई है। अच्छा, मान लीजिए कि अभी पढ़िए, घर पर भी जा करके पढ़िए और जो भी कठिनाई हो उसको पूछना चाहिए। प्रश्न पत्र में है और उसके पहले और भी है प्रश्न। राग की परिभाषा लिखिए। इस विषय पर कौन बोलेगा? राग की परिभाषा तो सबको अभी स्मरण में है ना? अब बात रही राग की भूमिका। राग का एक दृष्टि से देखा जाए तो विषयों के प्रति जो आकर्षण है इंद्रियों का, तो वही राग कहते हैं। अब तो क्षमा कीजिएगा, ब्रह्मचारियों का क्लास है, लेकिन कोई युवक है और किसी युवती के तरफ देखने के लिए उसको ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, कोई उपदेश करता है, स्वाभाविक ही उधर दृष्टि चल जाते हैं, बल्कि अवरोध है। क्लास में बैठे हैं या कहीं साथ में बैठे हैं तो बल्कि रोक है कि नहीं देखना चाहिए, लेकिन फिर भी रह रह करके एक नज़र देख लेते हैं। खास करके स्कूल में जहाँ को एजुकेशन है तो अपेक्षा तो यह है कि ध्यान टीचर के तरफ रहना चाहिए, बोर्ड पर ध्यान रहना चाहिए, पुस्तक के तरफ रहना चाहिए, लेकिन आँख मचा करके थोड़ा उस साइड के तरफ भी देख लेते हैं। तो कहने का आशय है कि जब आप वैधि भक्ति की बात पढ़े तो वहाँ क्या पढ़े कि यत्र रागात अनव
अवक्वात, यहाँ राग की प्राप्ति नहीं है और केवल शासन से आदेश से भक्ति कर रहे हैं, पर उसको वैधि कहा जाएगा। लेकिन अब रागानुगा भक्ति है तो केवल आदेश से भक्ति नहीं कर रहे हैं, स्वाभाविक स्वतः स्फूर्त स्पॉन्टेनियस यह हो जाता है। वैधि भक्ति का अनुशीलन करेंगे तो भाव के स्तर पर पहुंचने पर यह स्वतः स्फूर्त होगा, लेकिन राग की प्राप्ति हो जाने से यह अपने से होने लगता है, इसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। बल के रागानुगा के प्रवृत्ति है, रागानुगा जो राग के पीछे चल रहा है कि वह शास्त्र के विधि विधान का भी परवाह नहीं करता। और इसका मुख्य पॉइंट यही है राग की भूमिका कि भक्ति स्वतः होने लगती है, स्वाभाविक होने लगती है, तो स्वाभाविक है कि सिद्धि बहुत जल्दी मिल जाती है। समझ रहे हैं, राग की यही भूमिका है कि स्वाभाविक भक्ति होने लगती है, अनायास होने लगती है और सिद्धि प्राप्त हो जाती है जल्दी से। और अब आप लोग ये जो भक्ति के 64 अंग हैं तो उसको प्रस्तुत करने के लिए सोचिए, अकेले कर सकते हैं या अपना एक टीम बना करके कर सकते हैं। अब हम सोच रहे हैं कि कुछ इसको कवर करके ही साधन भक्ति को भाव भक्ति में प्रवेश करें, जैसे सामान्य भक्ति के विषय में डिस्कशन करके तब साधन भक्ति में आए। और कल तो एकादशी है, कल क्लास नहीं हो चलेगा, लेकिन परसों दिन से अब दो विकल्प है, या तो साधन भक्ति के प्रश्न पर विचार कर लिया जाए और नहीं तो भाव भक्ति का अध्ययन किया जाए, इसके बाद फिर से साधन भक्ति पर आएंगे। लेकिन तो अपराध होने पर भाव भक्ति से साधन भक्ति में आते हैं। जैसे आप लोग इसमें निर्णय दें, और नहीं तो एक बार भाव भक्ति प्रेम भक्ति कर लेते हैं और उधर से ही चालू करेंगे। जैसे रागानुगा का तो एक अवसर आपको भी आएगा, आप पूछ सकते हैं, लेकिन हम साधन भक्ति के समय तो प्रश्न पढ़ करके नहीं आए, लेकिन प्रायः क्लास के पहले हम प्रश्न पढ़ करके जाते, यहाँ तो नहीं वो प्रश्न पढ़ करके किसी दिन आते थे, और क्लास के टाइम में ही प्रश्न का उत्तर देने का भी प्रयास करते हैं। बीआईजी में यहाँ कभी वो पता नहीं कहीं प्रश्न रख गया था तो वो पढ़ करके नहीं आ पाता था,
और जैसा वैष्णव महाराज कहे हैं कि यहाँ टाइम का बहुत पाबंदी नहीं है, तो हम लोग ठीक से इसको कवर करेंगे। तो आप लोग पढ़िए और जो कठिनाई हो उसको लोकेट कीजिए घर पर ही, अब यहाँ नहीं कि क्लास में आ कर के अब उसको खोजने लगिए। घर पर पढ़ेंगे तो कुछ कुछ कठिनाई आएगी ना, तो उसको चिन्हित कर लेना चाहिए कि यहाँ कठिनाई है। वो ठीक है, थोड़े देर तक 5 मिनट घड़ी दे करके 5-7 मिनट कीर्तन कीजिए। आज थोड़ा क्लास पहले मैं ख़त्म कर रहा हूँ, कुछ दूसरा प्रोग्राम है उसके लिए। अब प्रश्न पत्र खास करके पढ़ करके और उसका उत्तर खोजने का प्रयास कीजिए। कहीं कठिनाई लग रही है तो आकर के पूछिए, एक काम। और दूसरी बात है कि जो चीज़ पढ़े हैं खास करके साधन भक्ति, और उसको गद्य में तो प्रस्तुत कर देंगे वो ठीक है, लेकिन उतना ही पूर्ण नहीं है। अच्छा होगा कि कविता लिख करके उसको क्लास में प्रस्तुत कीजिए। कविता नहीं लिख सकते हैं तो ड्रामा करके, और नहीं तो पेंटिंग करके। तो साधन भक्ति आज पूर्ण हुआ तो थोड़ी सी साधना हो जाए। सारंग ठाकुर 5-7 मिनट कीर्तन बोलिए, महामंत्र का ये बजाओ। मृदंग कौन बजाएंगे? गदाधर श्रीवासाद
अति गौर भक्त वृंदा Oh,
सिद्ध देह प्राप्ति के विषय में एक श्रीमद् भागवतम का श्लोक बोला था, लेकिन उसका रिफरेंस मैं गलत बोल दिया था। तृतीय स्कंध के 9वें अध्याय का है, कल हम लगता है कि 15वां अध्याय बोल रहे थे। तम भाव जोग परिभावित हृत सरोज आसे श्रुते क्षित पथ ननुनाथ पुंसा यदयद धियात उर्गाय विभावयन्ते तत्तद वपुः प्रणय से सदनुग्रहाय। लगता है कि आप लोग तो ऐसे देख रहे हैं कि बोला था कि नहीं बोला था, यही संशय है। कहाँ से बोला था इस विषय में तो कोई जिज्ञासा ही नहीं। ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है, तृतीय स्कंद तो सही कहा। अब हम 9वें अध्याय के बदला 15 अध्याय ऐसा बोल दिया था, तो उसको सुधार लेना चाहिए। श्लोक तो याद ही नहीं आ रहा, संख्या तो याद नहीं आ रहा था, तो बोला ही नहीं। और संख्या 11 नंबर का है, 3, 9, 11। हाँ तो आप 15 देख रहे हैं, 3, 9, 11। अब इसको रिकॉर्डिंग में कैसे शुद्ध किया जाएगा, एडिट जो करते हैं, मैं सोचा था कि जो एडिट करते हों उसको कुछ डाल देना चाहिए बात लास्ट में, या जैसे, क्योंकि जो रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो परेशान हो जाएंगे। अलग कई एक चीज़ है, ब्रह्मा जी की उक्ति है, उसी समय लग रहा है मैं बोलते याद नहीं आ रहा था, 9वें अध्याय के बदले में मैं 15वां अध्याय बोल दिया। तो आप लोग तो कम से कम इसको समझ लीजिए, आप लोगों को ज़रूरत भी नहीं इसकी लग रही है, जिसको श्लोक खोजना होगा, विचार करना होगा उसको ना। हाँ तो मैं गलत बोल दिया था। ऐसे ही कई एक चीज़ है, प्रमादवश थोड़ी थोड़ी गलती हो जाती है, तो उसको अपने विवेक से सुधार लेना चाहिए। ठीक है, फिर परसों दिन भाव भक्ति प्रारंभ करते हैं। पढ़ करके आइए, क्वेश्चन पेपर भी पढ़ करके आइए, क्योंकि अब परीक्षा नज़दीक है। आपके पास क्वेश्चन पेपर नहीं है, धर्मात्मा प्रभु से ले लीजिए, उन्हीं की जिम्मेवारी है हिंदी वालों को क्वेश्चन पेपर सुलभ कराना, धर्मात्मा प्रभु, और अंग्रेजी वालों को राधाचरण।